और हम तो कहेंगे बैसाख महीने की अष्टमी तिथि आ जाए या बैसाख महीने में सोमवार का दिन पड़ी जाए, तो प्रयास करना कि आप संतति के लिए, संतान के लिए आप ये प्रयोग कर सकते। एक मिट्टी के पात्र, उस मिट्टी के पात्र के ऊपर एक तांबे का पात्र। अब जरा माताएं बड़े ध्यान लगा कर सुनिएगा, कथा चूके ना, आपको 10 जगह जाकर सिर नवाने की जरूरत ना पड़े, एक महादेव के चरणों से ही आपका आनंद सुख प्राप्त हो जाए। एक मिट्टी का पात्र, और मिट्टी का अगर कोई कलश है छोटा सा, उस कलश के ऊपर तांबे का कलश। माता प्रसूति, दक्ष प्रजापति और माता वीरणी, इन तीनों का स्मरण कर जो बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग विराजमान हो, चाहे वो ओटले पर हो, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे वो सीमेंट का हो, चाहे वो कंकर का हो, चाहे वो मार्बल का हो, चाहे वो जिस भी चीज का हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो, उसमें सीधे जब आप कलश लेकर जाएंगे तो मिट्टी का पात्र उसके ऊपर तांबे का पात्र भरा हुआ, दोनों को एक साथ पकड़ कर ले जाएंगे। पर जब आप शिवलिंग पर दक्ष प्रजापति, प्रसूति और वीरणी, इन तीनों का नाम लेकर सीधे हाथ में मिट्टी का पात्र, उल्टे हाथ में तांबे का पात्र लेकर धीरे धीरे शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे और उस जल का पान उसी वट वृक्ष के नीचे दोनों पति पत्नी अगर पान कर लेते हैं और संतान की कामना कर लेते हैं, तो भी मेरा महादेव संतान प्रदान करता ही करता। पर ये जो क्रम किया जाता है ये केवल बैसाख के महीने में ही किया जाता है, इसके सिवाय इसको आप अन्य महीनों में नहीं कर सकते, केवल एक बैसाख में। और हम तो कहेंगे बैसाख महीने की जब शिवरात्रि आए या बैसाख महीने में अष्टमी तिथि आ जाए या बैसाख महीने में सोमवार का दिन पड़ी जाए, तो प्रयास करना कि आप संतति के लिए, संतान के लिए आप ये प्रयोग कर सकते। बुधवार को अष्टमी तिथि है और शिव महापुराण की कथा कहती है, गणेश पुराण के तृतीय अध्याय में वर्णन किया, बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। कुछ ना करिए, हरा मूंग की कटोरी भर लो, मूंग जानते हो, हरे मूंग, मूंग की दाल होती ना जो हरा मूंग, आखा मूंग हरा की कटोरी भरो, उस पर गुड़ की एक खोड़ी, गुड़ की बट्टी, गुड़ की एक बाटी उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो, और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर 5 बेलपत्र रखकर बुधवार और अष्टमी तिथि, जिस दिन भगवान ने, गणेश जी ने एक राक्षस का संहार करा था और कश्यप ऋषि ने उनको दुर्वा दी थी, वो अष्टमी है। पहली बार दुर्वा चढ़ी थी गणेश जी को, उसका व्याख्यान आएगा भी कथा। मूंग कटोरी में भरकर, गुड़ की खोड़ी रखकर, गुड़ की बट्टी, 5 बेलपत्र, जिसको बहुत बीमारी हो, दमा, श्वास, किडनी आदि का आदि बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम गोत्र खुद का बोलकर और भगवान से, गणेश जी से विनती कर अष्टमी तिथि के दिन, बुधवार के दिन जो भी आ रही है, बहुत समय के बाद पड़ रही है, उस दिन उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो, नई कटोरी, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं, गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहे, हाथ में मत देना उस कटोरी को, भले दरवाजे पर, चौखट पर, गणेश जी के राइट हैंड की ओर, आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, तो गणेश जी का जो राइट हैंड हो दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ के वहीं पर, अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी, तो अष्टमी को कर देखना, 11 या 12 तक आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा। ये अष्टमी कोई साधारण नहीं आ रही, बुधवार एक एक वो
बुधवार के दिन अगर शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो जिन लड़का जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, उन बच्चों के भी विवाह हो जाते हैं महाराज। जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, बहुत परास्त हो गए, अशोक सुंदरी वाली जगह पर हल्दी लगाओ, उस हल्दी को लेकर थोड़ा सा भाग पीपल पर लगाओ और पीपल के वृक्ष के नीचे हाथ में हल्दी को लगा लीजिए। अष्टमी तिथि हो या प्रदोष का दिन, ये दो में से कभी भी कर सकते। मंगल विवाह वो लिखेगा तो हो, और कैसा लड़का मिलना है, कैसी लड़की मिलना है, कैसा परिवार मिलना है, जैसा चाहिए वैसा शिव जी को बोलो। मेरा निवेदन रहे महाराज, जिन बच्चों के नयन कमजोर हो और जो शिवरात्रि तक भी शहद का इंतजाम ना करते हो, बच्चों के नयन कमजोर हो गए हो, चश्मा चढ़ रहा हो, चश्मा लग रहा हो, उन बच्चों के लिए भी भैरव मंदिर में तेल का दिया लगाकर उसकी काजल बनाकर काल भैरव का स्मरण कर उसमें घी मिलाकर भैरव बाबा के नयन बिंदु को लगाकर वही काजल बच्चों की आंख में लगाना प्रारंभ कर दीजिए, नेत्र की रोशनी अपने आप बढ़ना प्रारंभ। काल भैरव का स्मरण पर डॉक्टर को जांच जरूर कराना हो। आपने मुझे तुरवा समर्पित करी है, ये तुरवा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा, जो तुरवा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। शंकर भगवान कहते हैं गणेश के तुरवा बुधवार के दिन अष्टमी तिथि के दिन, जो अष्टमी बुधवार इस बार पड़ रहा है उस दिन समर्पित करिए। इस दुर्वा का अलग अलग महत्व है महाराज। कुएं के पास की सफेद दुर्वा, कुएं के पास की सफेद दुर्वा, यदि 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे उनको समर्पित करो, खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार पांच बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर चबा चबा कर खाना, उदर की प्रॉब्लम जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है उधर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी आपको, जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो सारी पांच बुधवार करना, छठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जितनी भी हो समाप्त। यही दुर्वा शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि सात दांत कांठ वाली दुर्वा 21 ले लो और गणेश जी को समर्पित कर दो, उस दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो और जिसके सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो दुर्वा का लेपन शरीर पर कर लें, आधे घंटे तक करने पर प्रदोष काल में स्नान कर लें महाराज, आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। गणेश पुराण दुर्वा का 21 दुर्वा के 108 बंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिया है, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर महाराज, और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, फल प्राप्त होगा। कल से एक नियम लेना, शमी के वृक्ष की पत्ती, जैसे